हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास से हम बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जावा प्रोग्रामिंग के लिए मेनली दो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। पहला है JDK, जावा डेवलपमेंट किट, जो कि आपको एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट और आपको सॉफ्टवेयर पैकेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट Eclipse IDE, ओके, जिसकी मदद से आप नए नए प्रोग्राम्स आप लिख पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, उन्हें सेव कर पाएंगे, उन्हें आसानी से डीबग, कंपाइल, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, और एक तरीके से जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, आपको वो जो जावा के जो पैकेजेस हैं उसका इजी एक्सेस आपको वो प्रोवाइड करेगा। आप आसानी से जब जावा के टूल्स हैं उन्हें आप यूज़ कर पाएंगे। सो आइए देखिए किस तरीके से Eclipse IDE में जावा प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन फाइल, न्यू, देन ऑप्शन जावा प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट नेम इज योर फोल्डर नेम, जहाँ पर आपका जो सारे रिलेटेड प्रोग्राम्स है वो रहेंगे, सेव रहेंगे, स्टोर्ड रहेंगे बेसिकली। सो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट नेम दैट इज बेसिक। ओके, बेसिक, ओके, योर, देन डायरेक्टली आपको फिनिश पर क्लिक करना है। उसके बाद इसे हम एक्सपेंड करेंगे बेसिक को, देन सोर्स जो फोल्डर है उसके ऊपर आपको जाना है, राइट क्लिक करना है, फाइल आपको ऑप्शन लेना है एंड टेस्ट, टेस्ट वन डॉट जावा। आपको ध्यान में रखना है जावा में फाइल नेम और क्लास नेम हमेशा सेम होना चाहिए। ओके, तो ये वो सेक्शन है बेसिकली जहां पर आपको क्या करना है, कोड करना है। ओके, तो यहां आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बेसिकली जो टेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर और भी टेप्स हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ हो सकते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। जिस प्रोग्राम में आपको एडिट करना है उस पर आपको क्लिक करना है, उसके लिए इस जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा और आप उस पर कोड कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसके लिए कोड करना। तो एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या इस पे जावा प्रोग्राम्स सही से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सो जस्ट बाय प्रिंटिंग हेलो, फर्स्ट जो स्टेटमेंट होता है हमेशा क्लास क्रिएट करनी होती है, ठीक है, क्लास का नाम क्या होगा, टेस्ट वन। उसके बाद क्या करेंगे, हमेशा क्या होता है, ऑलवेज आपको मेन मेथड लिखना होगा और उसके लिए आपको पब्लिक स्टैटिक देन वॉइड मेन, और जो मेन मेथड है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, आपको क्या पैरामीटर आपको क्रिएट करना होगा, स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली पैरेंथेसिस। ओके, now want to just test simply, so उस केस में क्या करना है, ए हेलो प्रिंट या हेलो वर्ड प्रिंट करेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। system सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, आपको ध्यान में रखना केयरफुली, जावा केस सेंसिटिव है, जो स्मॉल केस में है वो स्मॉल केस में होना चाहिए, जो अपर केस में है वो अपर केस में ही होना चाहिए। ओके, यहाँ पर प्रिंट में क्या लिखेंगे, हेलो जावा प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग। ओके, सो स्ट्रिंग हमेशा किस में होना चाहिए, जिसे आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो डबल क्विट में होनी चाहिए, तो डबल क्वार्टेड फॉर्म में लिखा है। इसे अपन कंट्रोल एस सेव कर लेंगे और राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, सिंपली एग्जीक्यूट करेंगे जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर बॉटम में आपको कॉन्सोल आपको नजर आ रहा है, कॉन्सोल आपको डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज कॉन्सोल विंडो, ओके, सब विंडो, दिस इज अवर आउटपुट। ओके, जो सक्सेसफुली क्या कर रहा है, आपका प्रोग्राम वर्क कर रहा है, आपका Eclipse IDE वर्क कर रहा है, जो JDK भी प्रॉपर इंस्टॉल्ड है। ओके, नाउ इन द बेसिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफायर और मेकिंग आइडेंटिफायर, रूल्स फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर, डेटा टाइप्स ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग, बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग। ओके, टाइप कास्टिंग, टाइप प्रमोशन,
What is a string? How it works? What are the its additional features? How can we create array in the Java programs? And how to use? Okay, then. So in सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे one by one. तो सबसे पहले आइडेंटिफायर के बारे में डिस्कस करते हैं. आइडेंटिफायर क्या होता है? बेसिकली क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम, जब भी आपको बेसिकली क्रिएट करना होता है, क्रिएट करते हैं, वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर. ओके, सो आइडेंटिफायर बनाने के लिए रूल है कि वो क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या कंटेन कर सकता है. अल्फाबेट्स, ओके, डिजिट्स एंड टू स्पेशल सिंबल्स, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर. ओके, इनके अलावा आप किसी भी अदर सिंबल का आप यूज नहीं कर सकते. दूसरा रूल क्या है? जो फर्स्ट आपका कैरेक्टर है आइडेंटिफायर का, वो क्या होना चाहिए? हमेशा या तो अल्फाबेट हो सकता है, या फिर डॉलर साइन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? अंडरस्कोर साइन हो सकता है. इनके अलावा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं हो सकता. ओके, और बाकी आप किसी सिंबल का या स्पेशल सिंबल का आप यूज वैसे ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रूल. लेट्स क्रिएट एन वेरिएबल इंटीजर टाइप. तो इंटीजर मैंने लिखा है. ओके, और फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ए एम टी. ओके, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि जो रूल्स है वो फॉलो किए गए हैं. ओके, तो एक वेरिएबल नेम आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं? डॉलर साइन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, तो ध्यान रहे फर्स्ट और सेकेंड जो वेरिएबल नेम है, फर्स्ट ए एम टी एंड सेकेंड वन इज डॉलर ए एम टी. सो ये डिफरेंट है और ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है. और इवन आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा आइडेंटिफायर भी आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि क्या कंटेन कर रहा है? जस्ट एक सिंगल डॉलर साइन. ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है. और एक अंडरस्कोर भी क्या होता है? सिंगल अंडरस्कोर. इवन एक सिंगल अंडरस्कोर वो भी क्या होता है? एक वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है. ओके, सो ये रूल्स है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है. सिमिलरली मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वन टू. ओके, ए, इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल लिया है. तो रूल है कि आप क्या कर सकते हैं, डिजिट से आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है. तो इनवैलिड कौन सा है? जो अभी लास्ट वन मैंने लिखा है, दिस वन इनवैलिड आइडेंटिफायर. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एक और तरह का मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इंटीजर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जो उसका स्टार्ट है वो प्रॉपर है, लेकिन आप अगर इसमें डॉट या किसी स्पेशल सिंबल का, अदर स्पेशल सिंबल का आपने यूज किया, आप केवल क्या यूज कर सकते हैं? अल्फाबेट्स 26 लोअर केस, 26 अपर केस. तो 52 कितने हो गए आपके? अल्फाबेट्स हो गए. डिजिट्स आ गई 9, 10 डिजिट है 0 से 9, ये आप काम में ले सकते हैं. और दो स्पेशल सिंबल है आपके, डॉलर साइन और क्या है? अंडरस्कोर. और फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? हमेशा अल्फाबेट हो सकता है, डॉलर साइन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? अंडरस्कोर हो सकता है. इट मीन्स डिजिट एज ए फर्स्ट प्लेस नहीं हो सकता. ओके, वो फिर क्या होगा? एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको बताया कि वैलिड आइडेंटिफायर कैसे क्रिएट किया जाएगा. ओके,